हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं 22 दिसंबर को, जो वो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, जैसा हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी कह देते हैं, ये जो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ये 100% एक्यूरेट हैं। अगर आपके साथ किसी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है तो आप उस पर इस वीडियो की सत्यता जाँच करा सकते हैं। हम किसी भी तरह की फर्जी वीडियो बिल्कुल नहीं बनाते। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, आधे अधूरे रचने की विधा कैसी है? यानी एक क्वेश्चन ये पूछे गए था कि ये जो रचना है ये कौन सी विधा है, नाटक है, कविता है, कहानी है, क्या है? ये कहानी पूछी गई थी, अकेले अकेले रचना कौन की क्या विधा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जो हिंदी से था, आग जलने पर कुआं खोदना, आग जलने पर कुआं खोदना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, ये क्वेश्चन भी आया है। दोस्तों, जैसा मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जो है कुल 150 क्वेश्चन आए हैं, जैसा आप जानते होंगे, और जो 150 क्वेश्चन आए हैं पूरा सिलेबस से आए हैं, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है। यानी फिर आपको बता दूं, मैथ बिल्कुल आपको पढ़कर नहीं जाना है, क्योंकि मैथ से किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं बन रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन, जैसा अभ्यर्थियों ने हमें बताया है, 50 क्वेश्चन में से लगभग 20 क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से आ रहे हैं। तो आप फिर को सलाह दी जाती है आपको, आप कथन और निष्कर्ष को बहुत मजबूती से पढ़ें, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। लगभग 20 क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष और वेन डायग्राम से ही पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चय वर्ग का उच्चारण क्या है? चय वर्ग, चय, छय, जय, जन, इस वर्ग का उच्चारण क्या है? जो ऑप्शन में दिया गया था, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जो ऑप्शन में दिया गया था वो पूरा। तो आपको आंसर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और जब उस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन विद आंसर दोस्तों आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट सही क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है तो आप अपने इन क्वेश्चनों को देख लें। फर्स्ट शिफ्ट में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सेकेंड शिफ्ट में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो करंट से था, फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता? दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2018 रूस में आयोजित हुआ था और ये फ्रांस ने जीता था। दोस्तों, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरा डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों के साथ, बिल्कुल सटीक आंसरों के साथ। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, वो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, लगभग 100 क्वेश्चन, जितने अभ्यर्थियों से हमें मालूम पड़ा है, लगभग 100 क्वेश्चनों की आपको एक मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये भी करंट से क्वेश्चन था, घर घर एलईडी बल्ब बांटने वाली योजना क्या है? घर घर एलईडी बल्ब बांटने वाली योजना का नाम क्या है? दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की गई ये योजना है, और घर घर बल्ब बांटने यानी एलईडी बांटने की योजना है, तो इस योजना का नाम पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कनिष्क का राजवैद कौन था? कनिष्क के शासनकाल में जो कनिष्क का जो शासनकाल था, उसके जो मंत्री थे, उनके मंत्री में उसका राजवैद कौन था? कनिष्क के राजवैद के बारे में पूछा गया है। दोस्तों, आप इस वीडियो की सत्यता को अगर किसी ने एग्जाम दिया है उससे जांच करा सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जो कला और संस्कृति से था, दिवाली के अवसर पर अहीर कौन सा नृत्य करते हैं? पूर्व में दिवाली के अवसर पर अहीर कौन सा नृत्य करते हैं? कला तथा संस्कृति से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अहीर कौन सा नृत्य करते हैं दिवाली के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भाग दो का संबंध किससे है? भाग दो का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। दोस्तों, भाग दो, जैसा आप जानते हैं, हमारे संविधान के जो भाग बटे हैं, उस भाग, उसमें पूछा गया था भाग दो किससे संबंधित है। पूरा आंसर आपको हर क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अभी हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो अभ्यर्थी अभी एग्जाम देकर निकले हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन हमें बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों, आप अनुच्छेद और भाग जरूर याद करके जाइएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी क्वेश्चन आ रहा है। जो इससे पहले क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के हैं। आज की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, वो ये है कि उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समाज से भी क्वेश्चन आया है। समाज से क्या क्वेश्चन आया है, ध्यान दें, समाज से क्वेश्चन आया था, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन आया था। गगनचुंबी में कौन सा समास होगा, क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं आप इनका क्वेश्चनों का आंसर देने, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, तत्सम तथा तद्भव से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं, तद्भव तथा तद्भव से, तत्सम तथा तद्भव से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आँखों से दूर करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आंखों से
दूर करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन भी आज के एग्जाम में पूछा गया है। मुहावरे भी क्वेश्चन में आ रहा है, और ध्यान दीजिएगा अलंकार नहीं पूछे जा रहे हैं, अलंकार ये क्या दो नंबर का ही मात्र पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो व्यंजक, स्वर और आपका किया गया है तत्सम, तद्भव, समास पर। और जो क्रिया विशेषण वाक्य, जिनमें से कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, इसकी क्रिया विशेषण क्या है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, रात्रि का तद्भव शब्द क्या है, रात्रि का तद्भव शब्द पूछा गया था। और ये क्वेश्चन हो रहा था, ये जिसका सही आंसर था अंधकार, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है या अर्ध तद्भव शब्द है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, यानी दखल नहीं देना, दखल देना जिसका सही आंसर था दखल देना, तो ऐसा मुहावरा करके पूछा गया था। अभ्यर्थी ने सही नहीं बताया है, पूरा उनके याद नहीं था, मगर उन्होंने पता है बताया है कि एक आंसर जिसका यह था दखल नहीं देना, यानी आपत्ति ना करना, इस तरह का मुहावरा का भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था नीलम संजीव रेड्डी कौन से राष्ट्रपति हैं। दोस्तों जैसा आप जानते हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया था रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, और जो अभी जो सेकंड शिफ्ट हुई है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है नीलम संजीव रेड्डी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, कौन नीलम संजीव रेड्डी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था वह धीरे धीरे चल रहा है का क्रिया विशेषण। दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, वह क्वेश्चन आया था वह धीरे धीरे चल रहा है में कौन संज्ञा है, क्रिया विशेषण क्या है इसकी, इस तरह का क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कौन सी अस्थाई मेमोरी है। दोस्तों सेम क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में था कि रोम इनमें से स्थाई मेमोरी क्या है, और सेम कंप्यूटर से सेकंड क्वेश्चन ये बना है निम्न में से कौन सी अस्थाई मेमोरी है, इसका आंसर आपको सटीक बिल्कुल आंसर को जल्दी ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर से आ रहे हैं, तो आप कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत का पहला। दोस्तों जैसा आप जानते हैं, एक क्वेश्चन ये था कंप्यूटर से, भारत या विश्व में बड़ा पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं, पहला डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC फर्स्ट, ये भी क्वेश्चन आया था। तो कंप्यूटर से 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। दोस्तों आप कंप्यूटर जरूर पढ़कर आइएगा, आपको सलाह है आप कंप्यूटर जरूर करें। 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर से हैं, तद्भव तत्सम है, समास है और अलंकार, और ये कम चीज़ें ही पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से किसमें स्वर संधि है, एक क्वेश्चन ये भी आया था निम्न में से किसमें स्वर संधि है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और शायद अध्यापक दिया गया था कि अध्यापक में स्वर संधि है, इस तरह के क्वेश्चन जो अभ्यर्थियों ने हमें बताया है, मगर ये सटीक है, स्वर संधि आई थी एग्जाम में, निम्न में से किसमें स्वर संधि है, बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पृथ्वी का आकार चंद्रमा के आकार से कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी का आकार चंद्रमा के आकार के कितने प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नीति आयोग, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था करंट से क्वेश्चन था ये, नीति आयोग ने आकांक्षी, यानी नीति आयोग की जो आकांक्षी योजना है उसमें जो जिले शामिल किए गए हैं, तो उसमें पूछा था यूपी के कितने जिले शामिल किए गए हैं, ये क्वेश्चन था। नीति आयोग की आकांक्षी योजना है उसमें कितने जिले यूपी के शामिल किए गए हैं, दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था SC ST का संबंध किस अनुसूची से है, ST ST का संबंध किस अनुसूची से है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, और ये 5वीं और 6वीं अनुसूची से संबंधित है, जो ऑप्शन में था वो 5वीं था। देखिए दोस्तों और क्वेश्चन क्या था, और क्वेश्चन देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन हो रहा था, और क्वेश्चन की बात करें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था जयद्रथ वध किसकी रचना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, रचना भी लगभग 2 से 3 पूछी जा रही हैं, जयद्रथ वध किसकी रचना है, ये क्वेश्चन आज शिफ्ट में मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो आज इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम जल्दी ही पूरा सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और एक मास्टर वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सटीक ये क्वेश्चन जो हमने बताए हैं बिल्कुल सटीक हैं, 100% एक्यूरेट हैं, किसी भी तरह का कोई फर्जी क्वेश्चन इसमें आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर मैं पेपर एनालिसिस की बात करूं तो आप सिलेबस के अनुसार ही पढ़कर आइएगा, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आ रहा है, हिंदी 50, रीजनिंग 50 और आपका GK 50।
और जो हिंदी में आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो आपको तद्भव तत्सम पढ़ना है, व्यंजन पढ़ना है, समास अलंकार पढ़ना है। अगर आप सोचते हैं कि आप अलंकरण ज़्यादा पढ़ेंगे तो अलंकरण ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है वो आपका केवल हिंदी में 5 से 6 टॉपिक को अटैच किया गया है। समास अलंकार समास है, तद्भव तत्सम है, संधि है और आपका व्यंजन है। और सबसे नेक्स्ट बात करें, पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, अनेक शब्दों के अनेक एक वाक्य के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है। और ये पूछा जा रहा है कि निम्न वाक्य में क्या है, निम्न में से कौन सी क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, क्या है। रीजनिंग में जैसा आप जानते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन और अब जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, दोनों में ही वैन डायग्राम कथा कथन निष्कर्ष को महत्वता दी गई है। लगभग 10 से 15 20 क्वेश्चन तक अभ्यर्थियों ने बताया है कि लगभग इस तरह के पूछे गए हैं। और जो बात करें अभ्यर्थियों के द्वारा बताए गए हैं, तो हिंदी और जीके का तो चैप्टर लगभग मॉडरेट टाइप का आ रहा है, मगर रीजनिंग जो आ रही है वो टाइम स्पेंड रीजनिंग आ रही है, यानी जो इस रीजनिंग ज़्यादा टाइम स्पेंड करा रही है। तो ये क्वेश्चन का एनालिसिस था, पेपर का ज़्यादा क्वेश्चन जो हमको मिले हैं हम आपको प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।